हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। यहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आया है जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनका उत्तर देने के लिए मैं वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आप लोगों ने जो टेट का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, नए भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि आगे उनके साथ क्या क्या हो सकता है, वो प्रोसेस उनको पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि 2021 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उनका अंक पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है वो मिलने वाला है। इंटरनेट से डाउनलोडेड नहीं, ओरिजिनल, जो कि आपके PNP से मिलता है या फिर डायरेक्ट से मिलता है। तो अभी आपको वो कैसे लेना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर कोई वैकेंसी आएगी अगर टेट के थ्रू देंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आप उस दौरान ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दे पाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, वो अंक पत्र ओरिजिनल वाला लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात आती है कि आखिर मिलेगा कब। जैसे मैंने वीडियो बनाया था मंझनपुर में, वहाँ न्यूज़पेपर में आ गया है कि डायरेक्ट में जाकर के आप ले सकते हैं। अभी अपने यहाँ अगर प्रयागराज में बात करें या फिर आप जिस किसी भी डायरेक्ट के हों, भदोही के हों, वाराणसी के हों, कहीं पर भी, आपको कैसे पता करना है, आप या खुद जाइए, किसी फ्रेंड को भेजिए, कैसे भी अपने डायरेक्ट पर जाइए। वहाँ पर आप पूछेंगे कि सर हमको यूपी टेट का अंक पत्र सर्टिफिकेट कब से मिलेगा, तो वहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि हाँ इस दिन से आपका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये जानना जरूरी है कि आपको ऐसे नहीं होगा कि आप तुरंत जाएंगे, इस डेट से मिलना है तो तुरंत आपको अंक पत्र मिल जाएगा। रोल नंबर वाइज वहाँ पे सूची मिलेगा आपको कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बच्चे इतने तारीख को आएंगे, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएंगे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है फोटोकॉपी किसी दूसरे के पास आपका हो और वो आपका जाके ले ले, तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली चीज आपको डेट में जाके पता करना है कि किस डेट से आपका अंक पत्र मिलेगा और किस रोल नंबर वालों का अंक पत्र किस डेट को मिलेगा, ये भी पता करना है। और आपको अपने ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाने हैं, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, DLED, ये सारे, क्योंकि हो सकता है कोई नकली व्यक्ति पहुंच जाए आपकी जगह आपका फोटोकॉपी लेके। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फोटोकॉपी दुकान पे आप अपने फोटोकॉपी देते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कॉलेज वगैरह में दे रखा है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है स्कूल वगैरह में या कहीं पर, तो वहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो फोटोकॉपी तो आसानी से लोगों को मिल सकता है, फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड है, प्लस साथ में आप फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे क्योंकि वो शायद जमा भी होगा। तो आपको क्या करना है, प्रयागराज डायरेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो आपका सर्टिफिकेट वो चुनाव के बाद मिलेगा, अभी वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, अभी आपको जाने से फायदा नहीं होगा। बाकी जैसे आप वाराणसी डायट के हैं या फिर लखनऊ डायट के हैं या भदोही डायट के हैं, तो आप अपने डायट पे जाकर पता करिए कि हमारा अंक पत्र कब मिलेगा, वो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने डायट पे आप जरूर जाएंगे। प्रयागराज वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका अंक पत्र 4 जून के बाद से मिलेगा, जो कि वो लोग बोल रहे हैं चुनाव के बाद, और अगर बीच में आपका मिलेगा तो न्यूज़पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।